हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे, ठीक है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आइए। अगर आप होम सेक्शन में भी आएंगे तो आप अगर कॉमर्स की पाठशाला के होम सेक्शन में आते हैं तो आपको नीचे की तरफ जाना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे इग्नू बीकॉम न्यू आपको दिखेगा। इस सेक्शन के नाम के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही इस सेक्शन के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे ढेर सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं जिनको पढ़ करके सुन करके आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है भाई, वो होने वाला है टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं, आप चाहें तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको नोट्स फ्री ऑफ आपको नोट्स जो है वो 40% डिस्काउंट्स पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट। इसके अलावा मैं हम अब डायरेक्टली हमारे टॉपिक पर चले आते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। सो एज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस सेक्शन, कुछ नहीं बताया यार मैंने, तो बताया ही नहीं है, ठीक है ना। इज इंटरकनेक्टेड ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क विच ऑपरेट थ्रू अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल्स, है ना। तो जैसा कि प्रीवियसली बताया गया था, हालांकि मैंने प्रीवियसली कुछ नहीं बताया और मैं डायरेक्ट ये टॉपिक आपको करा रहा हूँ, तो उस पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल जो बात बोली जा रही है वो ये है, ठीक है ना, कि जो इंटरनेट जो है, इंटरनेट इज द इंटरकनेक्टेड ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट जो होता है वो इंटरकनेक्टेड ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जो कि ऑपरेट करता है थ्रू सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। और उसी रूल्स को हम क्या कहेंगे, उस रूल्स को हम कहेंगे प्रोटोकॉल्स। मैं उसको थोड़ा डीप कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि इस लाइन में आपको ध्यान कहाँ देना है। ध्यान सिर्फ इतनी बात पे देना है कि इंटरनेट इज द इंटरकनेक्टेड ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क विच ऑपरेट थ्रू सर्टेन सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना। So from an end user perspective, it's the services that internet provides make it popular, है ना? तो जो end user होता है, जैसे कि मैं हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग Google पे कुछ सर्च करते हैं, हमें आंसर मिल जाता है, राइट। तो हम एंड यूजर हुए। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें की जाती हैं बाई द प्रोवाइडर, बाई द यू नो जो अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन हम एंड यूजर हैं, जिससे जिनके लिए इंटरनेट जो है एक तरीके से सर्विसेज के रूप में काम करता है। हमें कोई भी जानकारी चाहिए होती है, तुरंत हम गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे और हमें पता चल जाएगा, राइट। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है एक तरह की सर्विस है। अब ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है एंड यूजर के लिए जो कि इंटरनेट के थ्रू उनको मिलती हैं, वही हमारा आज का टॉपिक है, राइट। तो सबसे पहला है भाई ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपने पहले पढ़ा होगा कि पहले जो मेल भेजा जाता था, पहले जो चिट्ठियां भेजी जाती थी वो भी एक तरह की मेल होती थी, है ना, वो एक तरह की क्या, वो मेल ही होती थी, राइट। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली चिट्ठियां भेज सकते हो विद इन सम फ्यू सेकेंड्स, है ना, कुछ सेकंड्स में आप चिट्ठियां भेज सकते हो। आप सामान को बहुत ही आसानी से, सपोज आपको अपना सीवी भेजना है कहीं पे, तो आपने अटैच कर दिया अपना डॉक्यूमेंट और आपने सेंड कर दिया। सो इलेक्ट्रॉनिक मेल के आने से एक तरीके से जो हमारा इंटरनेट सर्विसेज है, जो हमारा मेल का जो एक प्रॉब्लम था कि जाने में टाइम लगता था, वो चीजें यहाँ पे काफी हद तक घट गई है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इंटरनेट सर्विस है वो तो है ईमेल, ठीक है। सो ईमेल इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज एक्सचेंज बिटवीन पीपल। तो यहाँ पे डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज यहाँ पे एक्सचेंज होता है बिटवीन द पीपल्स। द एबिलिटी टू सेंड द मैसेज अक्रॉस ग्लोबल ग्लोब विद इन सेकंड्स हैज मेड इट टू द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैसेज कम्युनिकेशन एंड हैज रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट एवरी फिजिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सच एज लेटर्स इन मेनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ईमेल एक डिजिटल मैसेज भेजने का तरीका है लोगों के बीच में, साथ ही साथ इसकी एबिलिटी इतनी अच्छी है कि आप विद इन सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में आप अक्रॉस द ग्लोब आप किसी को भी मेल भेज सकते हो बहुत ही आसानी से। जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं ना, तुरंत पहुंच जाता है, उसी तरीके से व्हाट्सएप जब नहीं आया था या फिर यू नो इतना ज्यादा एक्सपांशन नहीं हुआ था इंटरनेट का, उस टाइम पे ईमेल जो है बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का एक क्या बोल एक जरिया था, ठीक है ना। अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी जो ऑफिशियल काम है वो मेल के थ्रू होता है। मेल अगर आपके घर में आ गया, आपके ऑफिस में अगर घुस गया कि भाई इस आदमी को अपॉइंट करना है, इस आदमी को निकालना है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी है, तो वो मेल की ऑथेंटिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जा सकते हैं कि आपको ऑफिस में रखना है कि नहीं रखना है, राइट। तो ईमेल एक तरह का कम्युनिकेशन का माध्यम है और बहुत ही पॉपुलर कम्युनिकेशन का माध्यम है, जिसके कारण से जो पुराने कम्युनिकेशन के माध्यम थे, कोई लेटर आ गया,
क्विज फेयर क्विलेटर आ गया, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती थी उन सारी चीजों को हटा दिया गया इलेक्ट्रॉनिक मेल के आने से, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला सर्विस और सबसे बड़ा सर्विस है ईमेल, जो कि इंटरनेट सर्विसेज का टाइप है। दूसरा है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब में क्या होता है कि आप चीजों को सर्च कर पाते हो। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए आप गूगल पे सर्च करोगे, आप या इंटरनेट पे सर्च करोगे, आपको तुरंत मिल जाएगी, राइट। तो वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पे एक सर्विसेज है जो कि इंटरनेट के थ्रू हमें प्रोवाइड की जाती है। अब थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेते हैं कि टॉपिक में क्या है। टॉपिक में दिया हुआ है वेब सर्विसेज आर द स्टैंडर्डाइज्ड मीडियम, ओ सॉरी ये नहीं अभी कहा, वर्ल्ड वाइड वेब मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट विच इज एसेंशियल फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ टेक्स्ट पेजेस, डिजिटल फोटोग्राफ्स, म्यूजिक फाइल्स, वीडियोस एंड थ्रू कम्युनिकेशन मॉडल्स इनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। तो वर्ल्ड वाइड वेब में क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब में ये हो रहा है कि आप कुछ भी अगर गूगल पर सर्च करोगे, कुछ भी अगर इंटरनेट पर सर्च करोगे, तो उसका जो भी फॉर्म में जो भी जानकारी अवेलेबल रहेगी वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो जाएगी, है ना। तो ये बहुत बड़ा इंटरनेट का एक सर्विस है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ भी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ द इंटरनेट, है ना, इंटरनेट का सबसे बड़ा जो सर्विस है वो वर्ल्ड वाइड वेब ही है, क्योंकि इसके माध्यम से जो भी चीजें आपको चाहिए होती है ग्लोबली। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दुर्गापुर, आप जहाँ रहते हो, सपोज कोलकाता में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, कहीं भी आप रह रहे हो, तो सिर्फ वहीं की जानकारी आपको मिलेगी। आप कहीं की भी जानकारी, कहीं पर भी बैठे अपने यू नो फिंगर टिप्स पे आपको वो सारी जानकारियां अवेलेबल हैं, राइट। तो ये एक तरीके से बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि इसके जरिए ग्लोबल इंफॉर्मेशन की जो है शेयरिंग बहुत ही आसानी से होती है, और जो भी इंफॉर्मेशन निकल करके आती है इंटरनेट पर सर्च करने के बाद, वो कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट पेजेस का, डिजिटल फोटोग्राफ्स का, म्यूजिक फाइल्स, वीडियोज, ETC, है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है निकल करके आ जाती है, राइट। और इसके जरिए कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो भी बहुत ही आसान तरीके से होता है। तो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज, या फिर टाइप्स ऑफ सर्विसेज आप बोल सकते हो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विसेज आर द स्टैंडर्डाइज्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशंस ऑन द इंटरनेट। वेब सर्विसेज का मतलब हो गया कि सपोज आप कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, किसी यूटिलिटी के लिए आपको इस एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, उस एप्लीकेशन की डेफिनेटली कोई ना कोई यूटिलिटी है, तो वो एप्लीकेशन आप कैसे इस्तेमाल करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके फोन में वो एप्लीकेशन आ गया, आप इस्तेमाल करने लग गए, आपका काम कर हो रहा है, ऐसा नहीं होता ना, उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। तो टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज में ये भी आएगा कि इंटरनेट के आने से एक तरीके से जो वेब सर्विसेज हैं, जैसे कि सपोज आपको फॉर्म फिलअप करना है, किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करना है, या मेल ही भेजना है, या किसी एप्लीकेशन को आपको यूज करना है, तो उन सारे केसेस में इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो वेब सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना होगा, जहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है, ठीक है ना। वेब सर्विसेज। अगला पॉइंट है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो FTP इज यूज्ड टू एक्सचेंज यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ फाइल्स अक्रॉस कंप्यूटर्स थ्रू इंटरनेट। सो FTP का इस्तेमाल जो होता है फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है इंटरनेट पे, है ना। इंटरनेट पे अगर आपको कोई भी फाइल को एक्सचेंज करना है, तो उस चीज के लिए आप FTP का इस्तेमाल करोगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल आप करोगे। अगला है चैट रूम, फिर है मेलिंग लिस्ट, और फिर है न्यूज ग्रुप्स। इनको भी अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला जो सर्विस है वो है चैट रूम्स। तो दे आर द मीडियम्स विच आर यूज फॉर रियल टाइम कन्वर्सेशन बिटवीन द पर्सन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो। सो चैट रूम एक तरीके से रूम होता है जहाँ पे आप जो है बहुत ही आसानी से यू नो चैट कर सकते हो विथ योर काउंटर पार्ट, टेक्स्ट के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से, या फिर वीडियो बना करके। ये सारी चीजों के माध्यम से आप चैट बहुत ही आसानी से कर सकते हो अपने काउंटर पार्ट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ भी आप चैट करना चाहो। तो चैट रूम एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सर्विसेज है जो कि इंटरनेट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगला है मेलिंग लिस्ट। सो इट इज द कलेक्शन ऑफ नेम्स और एड्रेस फ्रॉम इंक्लूडिंग द पीपल हु सब्सक्राइब टू मेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रेगुलर बेसिस, है ना। इसका नाम आपने सुना होगा मेलिंग लिस्ट। जब भी आप किसी चीज को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप सपोज अगर अमेजन की वेबसाइट पर जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। आप जैसे ही अपना मेल आईडी देंगे वहां पे, तो देखना वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा होता है कि आपके पास मेल्स रेगुलर बेसिस पे अमेजन की तरफ से या फ्लिपकार्ट की तरफ से आपके मेल में आती रहेंगी। तो मेलिंग लिस्ट में क्या होता है ना कि आप जैसे ही किसी चीज को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपका मेल का जो एड्रेस है वो वहां पे फीड हो जाता है, ठीक है ना। तो मेलिंग लिस्ट मतलब ये कलेक्शन ऑफ नेम्स एंड एड्रेस होता है, जिसके कारण से आप जिसको भी सब्सक्राइब करोगे वो आपको रेगुलर बेसिस पे मेल भेज पाएगा, ठीक है ना। तो मेलिंग लिस्ट बहुत ही आसान है। मुझे किसी को मेल भेजना है, सपोज एक ही मेल 10 लोगों को भेजना है, उन 10 लोगों का नाम मैंने कंप्यूटर में डाल दिया, और डालने के बाद मैंने एक क्लिक किया और 10 लोगों को सेंड हो गया। तो मेलिंग लिस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड, ठीक है। नाउ न्यूज ग्रुप्स। इट इज एन इंटरनेट बेस्ड फोरम फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस टॉपिक्स बाय रिमोटली कनेक्टिंग डिफरेंट यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब, है ना। तो ये एक इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन है
एक तरह का ग्रुप है जहाँ पे लोग जो है कहीं पर भी बैठ करके बहुत ही आसानी से डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ा सर्विसेज है जो कि इंटरनेट हमें प्रोवाइड करवाती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट वी गेट फ्रॉम द इंटरनेट, है ना। और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, आप चाहें तो जिस तरीके से आप ट्यूशन करते हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करा था, पर मैं अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कॉमर्स पाठशाला से करना चाहते हैं, घर पे बैठे आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। आपके पास बस एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए फोन पे, और हम जो है तकरीबन 1 घंटे का क्लास जो है वीकेंड्स पे करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।